हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो ये वीडियो नवंबर 22 के स्टूडेंट्स बिल्कुल ना देखें, उनके लिए नहीं है। हाँ, बीच में रिलैक्स हो रहे हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं, तब देखना चाहे तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये वीडियो नवंबर 23 और आगे जो बच्चे अपियर करने वाले एग्जाम में, खास उनके लिए है। नया जो कोर्स है ये काउंसिल अपनी तरफ से फाइनल कर चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में ये जा चुका है अप्रूवल के लिए। नवंबर के महीने में अप्रूवल हो जाएगा, अनाउंसमेंट इसकी आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 18 नवंबर को वर्ल्ड कांग्रेस है, सी इंस्टीट्यूट होस्ट कर रहा है, तो मोदी जी खुद न्यू कोर्स का अनाउंसमेंट कर सकते हैं और इसकी फिर किताबें ओवर पीरियड ऑफ टाइम आएगी। तो आप मान के चलिए जैन फेब में इसकी किताबें आएगी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है कि ये किताबें आएगी तो डेफिनेटली मई 23 में तो एप्लीकेबल नहीं होने वाला, नवंबर 23 में एप्लीकेबल होने वाला है। तो मई 23 के बच्चे एकदम मन शांत करके अभी आपके पास में जो मटेरियल है, जो सब्जेक्ट्स है, जैसा है, आपने उसको पढ़ना चाहिए, आपने कुछ और नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए जब भी कोई चेंज होता है, बदलाव होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए का खास करके फाइनल वाले बच्चे, आपको 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स जो है वो 2 कंपलसरी वाले और 2 ऑप्शनल वाले, वो आपको कवर करने हैं। उसके लिए आपको एडिशनल टाइम लगेगा। ठीक है, नए प्रकार के क्वेश्चंस है, उसके प्रैक्टिस के लिए आपको एडिशनल टाइम लगेगा। आप नई क्लासेस के लिए वेट करें, कितना वेट करेंगे आप? कोर्स आएगा, फिर प्रोफेसर्स काम करेंगे, फिर नया नोट्स आएंगे, नए लेक्चर्स आएंगे, उसमें कितना ज़्यादा समय लगेगा, कब तक आप वेट करोगे? और ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन चाहता है, और आप उसको थोड़ा और मदद कर दोगे तो आपका देखते देखते 6 महीना 8 महीना 1 साल तो ऐसे ही चले जाएगा। सो गाइज, एडवाइस इज कि प्लीज़ अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। कॉन्सेप्चुअली थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन सेम। हाँ, जो सब्जेक्ट कम हो रहे हैं वो हम समझ में आता है हमको कि उसकी तैयारी शायद थोड़े बाद में करें, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअली चीज़ें सेम रहेगी। कुछ आपको एडिशनल चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कुछ एडिशनल कुछ चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इसमें आप पढ़ना ही बंद कर दें, दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो इसलिए पढ़ाई को एकदम रेगुलरली चलने दीजिए। अकाउंट्स में ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, SFM में सेम रहेंगे, ऑडिट में सेम रहेंगे, DTLT में क्या चेंज होगा यार? करेक्ट। तो डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, क्योंकि नए कोर्स के साथ में कुछ एडिशनल चीजें आपको और प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसमें ज्यादा समय जाने वाला है आपका। और बी एक्साइटेड विद द न्यू कोर्स। इतना रिसर्च करके न्यू कोर्स आ रहा है, सब्जेक्ट कम हो रहे, खुशी की बात है। एप्लीकेशन ऑडिट चलने वाले, खुशी की बात है। एंट्री टफ और एग्जिट एंट्री टफ और एग्जिट आसान करने वाले, वो बहुत खुशी की बात है। एग्जेम्पशन आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो कितनी बड़ी खुशी की बात है। देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स विच आर फ्लोइंग इन। ठीक है, और जो लोग मई 23 में भी एग्जाम दे रहे, सारे बेनिफिट्स उनको भी बाद में मिलेंगे। चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता किस बात की कर रहे हो? मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे होने वाला है कि सबको न्यू कोर्स लगेगा, मोस्ट प्रॉब्ली सबको न्यू कोर्स लगेगा नवंबर 23 से। करेक्ट, तो दैट इज अ गुड थिंग, सबको सारे बेनिफिट सबको मिलने वाले हैं बच्चों। लेकिन सिर्फ मेरा एडवाइस यही रहेगा इसके अंदर कि आप लोगों ने अपने समय को अच्छे से यूज करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपने कन्फ्यूजन में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है उसके जो लेटेस्ट बैचेस अवेलेबल है, लेकर के अपनी पढ़ाई करना शुरू रखिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। और उसके बाद जो चेंजेस आएंगे, आजकल प्रोफेसर्स दे आर ऑलवेज अवेलेबल, चेंजेस अवेलेबल आपको करवाएंगे, क्या चेंजेस है, नए तरह के कौन से क्वेश्चंस है, एंड सो ऑन। और अगर ओपन बुक भी, ओपन बुक को लेकर अलग अलग ओपिनियंस हैं। मोस्ट प्रोबेबली ओपन बुक सिर्फ मल्टी डिसिप्लिन में रहेगा, लेकिन ओपन बुक से भी, ओपन बुक अगर रहेगा भी तो कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलेंगे। अगर आपने अच्छे कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, करेक्ट, तो ओपन बुक में आपको और मदद ही होगी। करेक्ट, और अगर उसमें कुछ और चीज़ें करनी है और थोड़ा डीप में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बट ये सब आप कब कर पाओगे, जब आपके पास में टाइम अवेलेबल है। तो ये वीडियो से आप 2 मैसेज लेकर चलिए, एक बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक वो, और दूसरा अपने प्रेशियस टाइम को आप वेस्ट मत करिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली चलने दीजिए। ठीक है, सो गाइज आई एम एक्साइटेड टू सी द न्यू बुक्स, और जैसी होगा उसका अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे।